ग्लैमर की दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। अब ऐसे में जब सक्सेस चाहिए हो तो जवां दिखना सबसे जरूरी हो जाता है और इसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी भी एक उपाय बन जाती है। तो चलिए आज की स्टोरी में हम आपको हिंदी सिनेमा की कुछ ऐसी ही नामी हीरोइंस के बारे में बताते हैं जिन्होंने खूबसूरती के लिए सर्जरी कराई और करियर में आगे बढ़ी। कुछ ने सर्जरी की बात को माना तो कुछ ने नहीं। ट्विंकल खन्ना के टॉक शो में होस्ट ट्विंकल ने जब सुष्मिता सेन की बेवाकी किसी भी मुद्दे पर बात करना जिसमें प्लास्टिक सर्जरी भी शामिल है की तारीफ की तो सुष्मिता सेन ने कहा, खुद को खोया तो क्या पाया। मैं सिर्फ एक ऐसी व्यक्ति थी जो ईमानदार होना चाहती थी और अपने मन की बात कहना चाहती थी और इसे शालीनता से बोलना सीखें। आप बहुत बेतुकी बातें कह सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य से जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बात खत्म हो जाती है। चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी हो, मेरे जीवन में पुरुष हो, रिश्ते हो, विवाहित पुरुष हो, जो कुछ भी आप सोचते हैं बुरी चीज है, वो मौजूद है, बस इससे बाहर निकलो। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के बारे में कहा जाता है कि जब वो इंडस्ट्री में आई थी तो अपने रंग से खुश नहीं थी, फिर उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी कराई। हालांकि इस बात को उन्होंने कभी भी जाहिर तौर पर नहीं कहा लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि शिल्पा ने नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराने की बात मान ली थी। ग्लोबल आइकन बन चुकी प्रियंका चोपड़ा ने साल 2000 में मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन जीता, फिर लगातार फिल्में करती रही लेकिन उनके चेहरे पर बदलाव देखा जा सकता है। हर जिंदगी वेबसाइट के मुताबिक प्रियंका ने अपने होंठ और नाक की सर्जरी कराई है। साथ ही गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा, जिन्होंने द हीरो लव स्टोरी ऑफ द स्पाई में भी साथ काम किया है, उन्होंने बॉलीवुड ठिकाना को दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी के चलते प्रियंका का चेहरा बिगड़ गया था और उन्हें कई फिल्मों से बड़े डायरेक्टर्स ने बाहर कर दिया था। जब भी प्लास्टिक सर्जरी की बात होती है तो अनुष्का शर्मा और मौनी रॉय का नाम भी चर्चा में रहता है। अनुष्का शर्मा की पहले और अब तस्वीरों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि अभिनेत्री ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। वहीं मौनी रॉय की हाल की और उनके करियर के शुरुआत की तस्वीरों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी से खूबसूरती पाने का रास्ता चुना है। आयशा टाकिया को सलमान खान के साथ वॉन्टेड फिल्म में काफी पसंद किया गया था लेकिन हाल फिलहाल ग्लैमर से काफी दूर दिखती हैं। रिपोर्ट्स में जिक्र मिलता है कि एक्ट्रेस ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी जिसके बाद उनके चेहरे की खूबसूरती पहले जैसी नहीं रही और अब एक्ट्रेस फिल्मों से काफी दूर रहती है। वैसे हाल फिलहाल में कई यंग एक्ट्रेस हैं जिनके प्लास्टिक सर्जरी कराने का जिक्र मिलता है। इसमें जाह्नवी कपूर, उनकी छोटी बहन खुशी कपूर और शनाया कपूर का नाम भी शामिल है। तो इसी के साथ और भी कई एक्ट्रेसेस ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है जिसमें वाणी कपूर, प्रीति जिंटा, नरगिस फाखरी और अदिति राव हैदरी का नाम भी शामिल है। वैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई बार किसी वजह से चेहरा खराब होने पर प्लास्टिक सर्जरी कारगर उपाय है जिससे लोगों में आत्मविश्वास आ जाता है। आपका प्लास्टिक सर्जरी को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।